गाइस मैं फाइनली अभी आ चुका हूँ एयरपोर्ट पर। मेरा लेट चेकिंग चल रहा है क्योंकि मेरे ये लगेज के थमले में। एयरपोर्ट का नज़ारा और सामने ये हमारा फ्लाइट। सो गाइस अभी फाइनली फ्लाइट में आकर बैठ गया हूँ। इसमें बाहर का नज़ारा एयरपोर्ट के बाहर आकर खड़ा हुआ हूँ और ये देखिए लैपटॉप और लगेज। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अनदर फ्रेश ब्लॉग। तो आज मैं जाने वाला हूँ घर, मतलब त्रिपुरा। आज करीब 6 महीने के बाद मैं त्रिपुरा के लिए रवाना हुआ हूँ। तो अभी जाऊँगा एयरपोर्ट और मेरे साथ ये देख ही सकते हैं मेरा ये एक लगेज है, ये एक बैग है और ये एक सामान है। तो ये सब कुछ लेके मैं अभी निकल चुका हूँ और अभी हूँ हमारा जो बेलूर बस स्टैंड, वो बस स्टैंड के सामने। और यहाँ पर सामने है बेलूर मोड़। तो अभी गाड़ी के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो गाड़ी आने पर जाऊँगा। तो जाते हैं, देखते रहो। अभी कोलकाता में टैक्सी ले लिया, तो अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। बहुत ही गर्मी हो रहा है और टैक्सी मैंने ऐसे ही लिया है क्योंकि बहुत जल्दी जाना था। मैं जल्द से जल्द पहुँच जाऊँगा जाते। गाइज मैं फाइनली अभी आ चुका हूँ एयरपोर्ट और मेरे पीछे देख ही सकते हैं। और मेरा ये मैंने लगेज के लिए ले लिया है और थोड़ी देर में मैं अंदर चला जाऊँगा। तो देखते रहो और बहुत ही गर्मी है अभी, देखते रहो। सो गाइज मुझे एयरपोर्ट पे आके एक झमेला हो गया है और वो है वेट, मैंने ज़्यादा ले लिया था। तो अभी देख ही सकते हैं लैपटॉप भी हाथ में ले लिया हूँ और मेरा वेट मतलब 10 kg ज़्यादा हो गया था। तो उसको वेट लूज़ करते करते समय लग गया और अभी वेट लूज़ करके जा रहा हूँ चेक इन के लिए। तो जाते देखते रहो, बहुत बुरा लग रहा है। बहुत सारा सामान लिया था लेकिन उसको फिर से रेंट पे भेजना पड़ा। तो जाते हैं, देखते रहो। तो गाइज मैं अभी पहुँच चुका हूँ चेकिंग वेकिंग करा के। तो अभी जा रहा हूँ, मेरा गेट है 24, तो 24 की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए कलकत्ता के एयरपोर्ट। आज मेरा बहुत ही झमेला हुआ है क्योंकि लगेज का वेट ज़्यादा था, बहुत ही प्रॉब्लम हुआ है मुझे। अभी जाते हैं गेट की तरफ। सो गाइस फाइनली अभी सब कुछ ख़त्म करके, यहाँ पर चेकिंग बैकिंग लगेज वगैरह सब कुछ देख के सब ख़त्म करके अभी जा रहा हूँ फ्लाइट की तरफ। तो अभी जाते हैं फ्लाइट पर जाके बैठते हैं। देखिए सामने ही होगा फ्लाइट। मेरा लेट चेकिंग चल रहा है क्योंकि मेरे ये लगेज के झमेले में पूरा लेट हो गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन बुरा लग रहा है क्योंकि लगेज बहुत कम हो गया। और अच्छा लग रहा है मैं घर जा रहा हूँ आज से करीब 6 महीने के बाद। तो जाते हैं और यहाँ पर देखिए एयरपोर्ट का नज़ारा और सामने ही हमारा फ्लाइट। तो जाते हैं, देखते रहो। और मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया, मेरा फ्लाइट है इंडिगो एयरलाइंस अगर कलकत्ता टू अगरतला मेरा फ्लाइट। तो अभी चेकिंग वगैरह सभी हो गया है, फिर आगे जा रहे हैं। ये देख ही सकते हैं बाहर का नज़ारा अभी। Thank you.
गाइस अभी फाइनली फ्लाइट में आकर बैठ गया हूँ। ये देखिए कितना बाहर का नज़ारा। और मेरा फ्लाइट है 9:30 में और इंडिया का पहुँचेगा अगरतला त्रिपुरा में पहुँचेगा करीब 10:20 इतना लगेगा। तो जाते हैं फिर अगरतला से गाड़ी पकड़ना पड़ेगा। आप लोग देखते रहो मैं जा रहा हूँ। तो गाइस अभी तक फ्लाइट है यहाँ से रवाना नहीं हुआ, तो आज मेरा क्या क्या हुआ मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो मैं रोम से निकल के आया हूँ तो लगेज में वेट ज़्यादा था। मैंने 100 रुपये बचाने के लिए आज मेरा 1000 रुपीज़ का पूरा खर्चा हो गया है। कहते हैं स्टूडेंटशिप में जो भी फ्लाइट का टिकट बुकिंग करता है उसको 25 kg दिया जाता है, यानी कि 10 kg एक्स्ट्रा लगेज ले जा सकते हैं। लेकिन मैंने स्टूडेंटशिप में, मुझे लगता था कि स्टूडेंट का कार्ड होने चाहिए हो जाएगा, लेकिन सर्विसेज जो है वो स्टूडेंट वाली होनी चाहिए तभी जो है आपको 25 kg का लगेज मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा जो 10 kg का। तो मैंने नहीं ख़रीदा था तो आज मेरा 100 के लिए 1000 लग गया, पूरा लग रहा है। मतलब इतना परेशानी, पूरा एयरपोर्ट में मैंने लगेज खोला फिर सामान बाहर निकालते 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 फिर लिमिट में आया। और कभी मत गलती करना ऐसा फ्लाइट में आओगे तो। और मेरा जो है, मैं हमेशा ट्रेन में सफ़र करता हूँ क्योंकि लगेज जितना अच्छा होगा जितना तुमको चाहिए उतना ही ले जा सकते हैं, लेकिन फ्लाइट में ऐसा नहीं है। कभी भी गलती मत करना, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे बता देना, मैंने फेस किया है मैं सबको बता दूँगा, ठीक है। अभी जाते हैं और फ्लाइट छोड़ने का समय भी हो गया है, लगभग 9:11 हुए। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा पानी भी नहीं पिया। अभी फ्लाइट में दिखते हैं पानी लेता है तो पानी पीता हूँ, बहुत बहुत बुरा लग रहा है। अभी जाते हैं घर जाके देखते हैं क्या होता है।
पहुंच चुका हूँ अगरतला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देख ही सकते हैं, एयरपोर्ट दिखा रहा हूँ। तभी इधर से उतर के बैगेज लेने जाना पड़ेगा। बैगेज लेके फिर बस पकड़ूंगा यहाँ से, एयरपोर्ट से लगता मिल जाएगा, फिर बस पकड़ के उदयपुर जाते हैं। लगेज मेरा आ रहा है, अभी लेके बाहर निकल जाएंगे। अभी लगेज आ गया है, बहुत जल्दी ही आ गया है। तो देखिए लगेज आ गया, सो गाइस अभी एयरपोर्ट से निकलते हैं, फिर एयरपोर्ट के बाहर जाके गाड़ी लेते हैं। तो देखते रहो ब्लॉग को, मैं घर जा रहा हूँ बहुत दिनों के बाद। तो गाइस अभी फाइनली एयरपोर्ट के बाहर आकर खड़ा हुआ हूँ, और ये देखिए लैपटॉप और लगेज। तो यहाँ से ऑटो पकड़ूँगा, पहले ऑटो ही नहीं मिल रहा है। इससे सभी लोग, मतलब अगरतला एयरपोर्ट पे उतरने के बाद सभी लोग बोलेंगे ऑटो के लिए 100 रुपया 150 रुपया, जहाँ पर 15 का भाड़ा लगता है वो लोग ले लेंगे 100 150 200 जितना मिलेगा। तो जाते हैं ऑटो के लिए, वेट करते हैं। तो गाइस फाइनली आके पहुंच चुका हूं मैं मेरे घर पर, और आज का दिन बहुत ही परेशानी वाला गया। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। और मेरा लगेज टूट गया है इंडिगो एयरलाइंस में आते समय, उन लोग ने क्या किया पता नहीं है, बहुत परेशानी है इंडिगो एयरलाइंस।
मतलब फैसिलिटी बहुत ही ख़राब है, मैं ऐसा ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस ही लास्ट एक्सपीरियंस होता है। तो ये बैगेज भी टूट दिया और मेरा जो सामान था वो भी निकालना पड़ा, और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुआ है जो ख़राब है बहुत ही। तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, इस व्लॉग को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।